एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप ऑल गाइस आर डूइंग फाइन। तो सेटअप एक नया है, कुछ मजबूरियां। खैर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इस वीडियो में मैं बात करने वाला आपका पटना लॉ कॉलेज के बारे में। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है सवाल होता है कि पटना लॉ कॉलेज के बारे में बताइए, पटना लॉ कॉलेज का फॉर्म कब आएगा, 2024 में जो है किस तरीके से जो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा समय लूंगा। उसमें किस वगैरह आता है, कैसे जो है एंट्रेंस वगैरह होती है, सारी जो बातें हैं इस वीडियो में आपके साथ कवर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो शुरू करें। देखिए सबसे पहले बात कर ले पटना लॉ कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 3 साल का एलएलबी होता है, 5 साल का नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि 5 साल का फॉर्म कब आएगा। 5 साल का नहीं होता है, 3 साल का होता है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपका इसमें फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो मई जून में के बाद ही जो है ये फॉर्म आएगा। क्योंकि सबसे पहले जो है पटना यूनिवर्सिटी में आपका बीए बीएससी बीकॉम जो ग्रेजुएशन जो है वो 4 इयर्स, आप तो पता है कि आपको कि 4 इयर्स ग्रेजुएशन हो चुका है तो उसके लिए फॉर्म आते हैं। फिर उसके बाद पीजी का फॉर्म आता है, जैसे कि एमए एमएससी एमकॉम इस तरीके से जो है फॉर्म आते हैं, उसके साथ ही जो है आता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें जो है वो पटना लॉ कॉलेज को जो है वो अप्रूवल जो है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी है, यहाँ पे जो है वो अप्रूवल जो है वो देती है किसी भी लॉ कॉलेजेस को कि आप जो है वहाँ पे लॉ की पढ़ाई हो सकेगी। तो 1 साल का ही मिलता है, तो हर साल जो है इनको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो उस आधार पे जो है वो अप्रूवल मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसमें जो है वो आपको इसमें पेशेंस दिखानी होगी इसमें, क्योंकि फॉर्म जो है वो काफ़ी लेट होता है। लेकिन अब तो 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि समय से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट तो हो ही जाएगा आपका, जून जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है। तो इसमें अगर आप सोच रहे हो कि पटना लॉ कॉलेज से ही करना है तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इसमें फॉर्म वगैरह को लेकर, कि फॉर्म जो है थोड़ा लेट होता है, एंट्रेंस भी हो गया उसके बाद रिजल्ट हो गया। तो जो भी स्टूडेंट है इस पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि फॉर्म वगैरह जो है वो काफ़ी लेट आता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो है वो किस तरीके से जो है वो आप एंट्रेंस वगैरह जो है वो आप लोग दोगे, किस तरीके से जो है वो आपको किस तरीके से जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। 100 नंबर का होता है, निगेटिव इसमें नहीं होती है। आप इसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि सिलेबस जो है वो आपका 50 नंबर का, जैसे जीके होता है 25, आपका लीगल एप्टीट्यूड हो गया 25, आपका करेंट अफेयर्स हो गया। तो 50 में मतलब दो तीन चार साल से मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके जीके जीएस से ही होते हैं, करेंट अफेयर्स से होते हैं, लीगल का बहुत ही कम क्वेश्चन होता है। मैंने अपने चैनल पर 3-4 साल का जो है वो अपलोड कर दिया। मेरे टेलीग्राम चैनल ए के रंजन पर आप जाकर देख सकते हैं, आपको 3-4 साल का क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के द्वारा बताया जाता है उस पर जो है वो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देखोगे आप तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसमें निगेटिव नहीं होता है, तो आप सारे क्वेश्चन टच कर सकते हैं। और कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाता है, मतलब जनरल का जो है वो 90 के अराउंड, 89-90 इस तरीके से होता है। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेना कि आपका कट ऑफ वगैरह सारी जो चीज़ें हैं, मैंने एक प्ले लिस्ट बना के रखा है पटना लॉ कॉलेज, वो आप सर्च करना चैनल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारी जो चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपके इसमें जितने भी चीज़ें हैं फीस वगैरह काफ़ी इकोनॉमिकल है। जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो 2700-2800 फीस लगता है, साल में एक ही बार लगता है, सेमेस्टर वाइज नहीं लगता है। इसके बाद एससी एसटी और गर्ल्स जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 300-400 बहुत इकोनॉमिकल फीस है यहाँ पे। फैकल्टी की मैं अगर बात करूँ तो फैकल्टी भी हैं, परमानेंट भी हैं, और टेम्पररी बेस पे जो आते हैं वो पढ़ाते हैं उसमें भी जो है वो आप लोग, ऐसी नहीं होगी क्लासेस चलती नहीं है, क्लासेस चलती हैं, स्टूडेंट जो है वो नहीं आते हैं। और मेरा एक लास्ट में यही सुझाव हुआ कि आप जो है कि कोई मजबूरी में आके या एक लास्ट ऑप्शन के तौर पे जो है वो एलएलबी करने मत आइएगा, एक कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो एलएलबी कर लेते, एक डिग्री हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी अच्छा जो है स्कोप रहता है आपका एलएलबी को लेकर, आप जो है वो आगे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। एलएलबी में करियर बनाना चाहते हैं, काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो इसके लिए जो है वो आप लोग लास्ट ऑप्शन मत रखना, आप प्रॉपर है क्लास कर सकते हो, उसमें क्लासेस जो है वो आप सारी जो चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। फिलहाल सारी जो बातें हैं टू द पॉइंट मैंने रखने की कोशिश की है, और रेगुलर आप जो है वो वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग बताना किस तरीके और वीडियो जो है वो आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी अपडेट्स वगैरह होगी फॉर्म को लेकर, सारी जो चीज़ें हैं तैयारियों को लेकर, वो मैं समय समय पर आपको अपडेट करते रहूँगा। इंस्टाग्राम एके आर ब्लॉगर है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, और सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी। आज के बस इतना, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। यहाँ तक देखिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल नया सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।